जीवन हरियाणा के साथ और मैं नवल सिंह हूँ। और फिर हम पहुंचे हैं करण कुणाल जी के पास। करण कुणाल जी इस चुनाव में उतरे हैं और एक उपचुनाव की उन्होंने पूरी जिम्मेवारी संभाली। चौटाला जी के दोते हैं और जिन उपचुनाव में हमने इनको देखा हमेशा मशक्कत करते हुए, ये खुद जुटे, इनके मदर इनके माता जी आए वो भी चुनाव में जुटे। तो हम जानना चाहेंगे जींद में जब ये घूम रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं हैं जो इनको लग रहा है कि वो बड़ा चुनावी मुद्दा बनेंगे। पहले तो मैं आपका इवन हरियाणा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस जींद उपचुनाव को इतनी अच्छी तरीके से कवर करने का प्रयास किया और आप इस प्रयास में खड़े उतरे। आज जहाँ जींद के उपचुनाव की बात करें तो मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जींद के अंदर सबसे पहले तो सड़क ढूंढ के दिखा दी, तो सड़क नहीं है यहाँ पे, ऐसा लगता है सड़क नाम की चीज भी नहीं। आज पूरे जींद हल्के के, चाहे हम गांव में जाएं चाहे शहर में घूमें, आज हम इस अर्बन स्टेट में बैठे, अर्बन स्टेट के अंदर भी सड़क नाम की चीज नहीं। केवल मात्र इंटरलॉकिंग टाइलों को सड़क के कोनों पे बिखेर के रखा गया और सड़क कहीं पे भी नजर नहीं आई। ये तो वो मुद्दे हैं जो आपने देखे, लोगों ने अभी आपको ढेर सारे मुद्दे बताए, क्या क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर तुरंत काम करने की महसूस करते हैं? लोगों ने मुझे कहा कि शायद हो सकता है सड़क भी बन जाए और आने वाले समय के अंदर सीवरेज का सिस्टम भी जींद में सुधर जाए। पर मैंने लोगों से पूछा कि अगर सड़क और सीवरेज बन भी जाएगी तो जो नौजवान साथी हैं वो रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? आज जींद के अंदर रोजगार का कोई भी साधन नहीं, रोजगार के लिए युवा साथियों के लिए कोई जगह नहीं नजर आ रही। मौजूदा बीजेपी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं और शायद जींद का नाम भी मुख्यमंत्री भूल गए। एक ही बात कह देते हैं कि जींद के अंदर जो विधायक थे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के थे। आप लोग मीडिया के साथी हैं, खोजी लोग हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं कि विधायक के ऊपर ओपोजिशन में बैठ के कितना सरकार विधायक की मदद करने का काम करती है। अगर बीजेपी की सरकार ने जींद में कुछ किया है तो गड्ढों की गहराइयों को नाप के यहां से चले गए। मैं तो आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर 2019 के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव आ रहे हैं। ये तो हमारे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर मिड्डा जिनका निधन होने के कारण उपचुनाव जींद की धरती में हो रहा है और ये उपचुनाव आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की राजनीति को भी लिखने का काम करेगा। तो जींद के मुद्दे किसी से छुपे हुए नहीं। आज तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज जींद की जमीन पे उतरे हुए, वो भी चारों तरफ घूमते हैं, उनकी भी नजरों से कुछ छुपा नहीं। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री तक जींद आ गए और रैलियां करके चले गए। पता नहीं, मुझे तो लगता है सीएम साहब शायद हेलीकॉप्टर में आते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं क्योंकि सड़क के माध्यम से तो आने। चौटाला साहब को आज आना था, उनको रोकने का प्रयास किया गया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब तो जींद की जनता जानती है कि उनको रोकने का प्रयास किसने किया। जी बिल्कुल, आपने बताया कि जो मुख्यमंत्री आते हैं वो सड़क के रास्ते नहीं आते, हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से आते होंगे, हवाई मार्ग से उनको सड़कों का नहीं पता। एक पानी का मुद्दा बड़ा यहाँ विशेष तौर पे हमारी बातचीत हुई, वो कहते हैं पानी की किल्लत, तो इसको लेकर आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? जी यूथ क्या सोचते हैं कि पानी की समस्या पूरे हरियाणा में भी है, जींद में भी है, तो इसको किस तरह से देखते हैं, कैसे दूर हो सकती है समस्या? मैं जींद में अर्बन स्टेट में पिछले 15 दिन से रुका हूँ और पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा महसूस होती है। ये तो मूलभूत अधिकार है, जल का मूलभूत अधिकार है, लेकिन हैरानी की बात है कि प्रशासन हो सरकार हो कोई कदम इसके ऊपर नहीं उठाया गया। हम जींद के अलग अलग वार्ड में भी गए, वहां भी लोगों से पूछा, सबने यही बात हमारे आगे रखी, लेकिन सबको ये विश्वास है कि 2000 से 2005 के अंदर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो विकास के कार्य उस समय में हुए, शायद 2019 के अंदर जब फिर से चौटाला साहब की सरकार बनेगी और ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश से चली जाएगी तो वही विकास के कार्य दोबारा से दोहराए जाएंगे। यहाँ केवल विकास के नाम का ढिंढोरा नहीं पिटा जाएगा बल्कि काम होते नजर आएंगे। मूलभूत जो लोगों के अधिकार है वो तो उनको मिलेंगे, पर मैं एक युवा साथी होने के नाते, खास तौर से जो मेरे युवा साथी हैं जींद, उनको आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रोजगार का और उनकी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर जेल की सलाखों के पीछे हैं तो 3206 मेरे जैसे नौजवान साथियों को रोजगार देने के लिए
और चौटाला साहब जब भी पैरोल के माध्यम से परलो के माध्यम से अपने लोगों के बीच में आते हैं तो वो यही बात कहने का काम करते हैं कि आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं 3200 नहीं 32000 नहीं 32 लाख लोगों को भी अगर नौजवान साथियों को रोजगार देना होगा तो उनको रोजगार देने का काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरे परिवार के सभी सदस्यों को सारी उम्र में जेल रहना। तो एक वजह और बताइए, जैसे विकास की हम लोग बातचीत कर रहे थे, ले बीच में जब हम चर्चा करते हैं तो चौटाला साहब का जिक्र भी आता है, नौकरियों का जिक्र भी आता है, पर जैसे देखा जाए आज के वक्त में जो भाजपा का कैंडिडेट है, भाजपा के जो प्रत्याशी है, वो उन्हीं के बेटे हैं जो आपकी पार्टी में निकले। तो एक सवाल कई बार लोगों की तरफ से रह जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, कहां एक कमी रह गई परिवार को संभालने में। देखिए आज कृष्ण मिड्डा जी बीजेपी के उम्मीदवार बनके जिले की जनता के बीच में आए, मैं नहीं जानता, डॉक्टर मिड्डा स्वर्गीय आदरणीय थे हमारे और उनको चौटाला साहब ने जितना मान सम्मान और इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जितना मान सम्मान दिया उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। आज कृष्ण मिड्डा जी ने अगर इस तरीके का कदम उठाया है तो मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता में रहने का जो भी उसका लाभ उठा सकते थे उस तरीके का एक प्रेशर बना के उनको हाईजैक करने का काम किया है। और शायद भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था कि वो अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार बीच में उतार के उसको जीत की धरती से जिता पाएंगे, तो उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के बेटे को जीत की जनता के बीच में उतारा है। मगर अगर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जींद से विधायक बनना चाहते थे और बन सकते थे तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद लेकर बन सकते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्वास से ये बात कह सकता हूँ कि आज बीजेपी का नामो निशान आपको 31 तारीख को जींद की धरती पर नजर आएगा। बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा तो इसका मतलब फिर कांग्रेस का रहेगा या दूसरी पार्टी में रहेगा, क्या सोच रहे हैं? बीजेपी के अलावा मुख्य पार्टी के रूप में कांग्रेस के लोग जींद के मैदान पे, मगर जो हालात बीजेपी के हैं शायद उससे भी बदतर हालात कांग्रेस के कि आज उम्मीदवार पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं मिला तो एक मौजूदा विधायक को कैथल से उठा के जींद में लाकर रख दिया। जो मौजूदा विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं वो आज जींद की जनता में गांव में वार्ड में शहर में घूमते हुए ये कह रहे हैं कि मुझे दोबारा से विधायक बनाने का काम करें। शायद किसी टाइम नरवाना में रहकर ये बात कैथल के लोगों से कहा करते थे, आज कैथल के विधायक होके जींद के लोगों से कहने का काम कर रहे हैं। नरवाना में जाके आप अपने इस कैमरे को घुमा के नरवाना की जमीन पे देखें, वहां लोगों से पूछे तो आज रणदीप सिंह सुरजेवाला की असलियत वहां के लोग आपको बताने का काम करेंगे। और कैथल की जनता तो इतनी दुखी है कि शायद अगली बार अगर ये कैथल से चुनाव लड़ते तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम करते, और आज जींद की जमीन पे उतरे हैं तो इनका यहाँ पे इनको भारी के नाम से जाना जाता है कि बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं, यहाँ के लोकल नहीं है, यहाँ के लोकल यहाँ के अपने यहाँ के लोगों के चहेते लोगों के दिल में बसने वाले उनके बीच में उनके सुख दुख के साथी अगर कोई हैं तो उमेद सिंह रेडू जी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के उम्मीदवार हैं, उनके बेटे भी उमेद सिंह रेडू जी हैं, उनके पोते भी उमेद सिंह रेडू जी हैं, और उनको जींद की जनता अपना आशीर्वाद देके 31 तारीख को भारी मतों से जिता के हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करें। जिस तरह की हमारी बातचीत हो रही है नेताओं की बातचीत का पता इस बात से लगता है कि उन्होंने इस दौरान कितनी सभाएं की। जैसे अगर हम एक अंदाजा लगाएं भी जब भी चुनाव होते हैं तो लगातार चुनावी सभाएं चलती हैं, नुक्कड़ सभाएं चलती हैं, आपने कई मुद्दों की बात कही, पानी की बात कही, रोजगार की बात कही, सड़क की बात कही, तो क्या लगता है कि इस पूरे इलाके में आप ये संदेश फैला पाए हैं इस तरह की बातचीत का, कितनी सभाएं करवाए आप? देखिए सभाओं की तो कोई गिनती नहीं होती, हमारा काम इलेक्शन के दौरान जनता के बीच में जाके उनसे अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करना। नहीं, अगर हम करण कुणाल सिंह की बात करें, प्रतिदिन कितने लोगों से मिल लेते होंगे इन चुनावी सभाओं के दौरान, क्या सफर आपका रहा? मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि कई हजारों लोग तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दफ्तर में रोज नए चेहरों में मिलते हैं और गांव में जाते हैं वहां बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनका प्यार, शहर के वार्ड में जाते हैं हमारे नौजवान साथी, तो कोई गिनती नहीं है इन लोगों। सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है आपका चुनाव प्रचार? सोने के लिए 6 घंटे काफी हैं, सुबह हम तकरीबन 7:30-8 बजे नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं और सीधा रात की रोटी घर पे आके खाते हैं। सारे दिन लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे पेट को भरने का काम करता है। तो इस प्यार और आशीर्वाद में क्या लगता है, इस वक्त पार्टी कहाँ खड़ी है स्ट्रॉन्गली, कितने अधिक वोटों से जीतने वाले हैं? आपने ये पूछ लिया कि पार्टी कहाँ पे खड़ी है, मैं आपको ये जो हमारा आने वाले चुनाव के अंदर जो बैलेट है वो नंबर 1 पे है उमेद सिंह रेडू जी, और नंबर 1 पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जब आप वोट देने का काम करेंगे
तो जिस प्रकार से बैलेट में नंबर वन पे है, मैदान में भी नंबर वन पे होके विधानसभा में नंबर वन बन के जाने का काम करें। तो ये आपकी जींद की जनता से अपील है कि नंबर एक पर आपके उम्मीदवार है, नंबर एक पर करें। पर आप ये बताएं, ये क्या सोचते हैं कि नंबर दो पर भी है कोई? देखिए, जब कोई अपना अपनी तैयारी एक डायरेक्शन में करके चलता है तो हम तो सिर्फ नंबर वन की तरफ देखते हैं। नंबर दो की लड़ाई सिर्फ बीजेपी वालों की कांग्रेस से होगी, कांग्रेस वालों की कोई नई बच्चों की पार्टी से होगी, और शायद नए बच्चों की पार्टी की कोई राजकुमार सैनी की पार्टी से होगी। हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा तो प्यार और आशीर्वाद जिनकी जनता से है वो हमें देने का काम करें। करण कुणाल सिंह से बड़े रोचक ढंग से हमारी बातचीत हुई चुनाव के बारे में, चुनावी गतिविधियों के बारे में, और जैसे उन्होंने बताया कि हजारों लोग लगातार यहाँ इनेलो के दफ्तर में आ रहे हैं और ये खुद नुक्कड़ सभाओं में और लोगों से पर्सनली मिले हैं और उनको इनेलो की योजनाओं के बारे में बताया है, और इन्होंने इस चीज को भी ढंग से बताया कि हमारी पार्टी आज नंबर वन पर खड़ी है और इनको उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जींद का जो बहुमत है, जींद का जो जनमत है वो इनको मिलेगा और ये उसमें बहुमत में जीत हासिल करेंगे। जींद का जनमत किस तरफ जाता है ये एक देखने वाली बात होगी, पर उससे पहले 26 जनवरी है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, संविधान का दिन, तो हमें उम्मीद करेंगे कि जींद का हर वोटर अपने घर से बाहर निकलेगा और अपने मत का प्रयोग करेगा और इसी तरह से मत का प्रयोग करके वो संविधान में अपना योगदान देगा। तो बने रहे हमारे साथ A1 हरियाणा के साथ।